गणेश विसर्जन का जुलूस निकाला गया, जो कि पुराने शहर से शुरू होकर के टैंक बंड पर ख़त्म हुआ। इस जुलूस में करीब कई लाख आदमी शामिल हुए और 25,000 से ज़्यादा गणेश विसर्जन हुए, जिसमें करीब 5,661 जो थे वो बड़े साइज़ के गणेश थे। बहुत ही अमन और सुकून के साथ एक अच्छे माहौल के अंदर ये जुलूस निकाला गया। किसी तरह की कोई भी घटना इसमें नहीं हुई और जो जुलूस है वो अभी तक अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ जो गणेश की मूर्तियां हैं अभी भी उनका निमज्जनम नहीं हुआ है, विसर्जन नहीं हुआ है, और वो लोग वो जो काम है अभी टैंक बंड और NTR मार्ग पे जारी है। कल ये जुलूस थोड़ा लेट हुआ क्योंकि बारिश पड़ी थी और बारिश पड़ने से सड़कों के ऊपर पानी काफ़ी हो गया था, तो रोड कंडीशंस थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए लॉरीज वगैरह का मूवमेंट जो है वो थोड़ा धीरे रहा। छोटी छोटी एक दो घटनाओं को छोड़ करके बाकी कोई बड़ी बात नहीं हुई, जैसे कि 16 तारीख को एक शेखर बोल के आदमी, वो एक इंदिरा नगर जियागुड़ा के अंदर पंडाल का डेकोरेशन कर रहा था, तो वहाँ से सीढ़ी के ऊपर से गिर करके उसका इंतकाल हो गया। उसी तरह से एक 16 तारीख को ही शिवाबुल के एक आदमी 30 साल का, वो भी अपना महाकाली एरिया के अंदर एक आइडल के पास से एक त्रिशूल निकाल के उसने चुराया और उसको छुपाने के लिए वो ट्रांसफार्मर के पास गया, जहाँ पे वो उसका इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया। कल चंपापेट के अंदर एक चिन्नम्मा बोल के लेडी जो तीसरी मंजिल से गिर गई जुलूस देखने के टाइम पर। इसी तरीके से कल श्रीनिवास बोल के एक आदमी चंद्रायन गुट्टा के अंदर एक गणेश जब पास हो रहा था, तब एक लाइव वायर को हटाने के लिए जब उसने कोशिश की तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो हॉस्पिटलाइज्ड है अभी। दो गणेश आइडल जो हैं, एक पंजागुट्टा क्रॉस रोड के पास, एक गोलकुंडा क्रॉस रोड के पास में लॉरियों से खराब रोड कंडीशन की वजह से गिर गए, लेकिन उन्हें वापस उठा करके और लॉरियों में लोड करके विसर्जन करा दिया गया। एक हमारा APSP का कांस्टेबल मुशीराबाद एरिया में हिट एंड रन में उसको हेड इंजरी हुआ, वो भी हॉस्पिटलाइज है। हुसैन सागर के अलावा सरूनगर टैंक के अंदर, मीर आलम टैंक के अंदर और राजन्ना बोली पुराने शहर के अंदर भी विसर्जन हुए। इसी तरह छोटे छोटे और दूसरे विसर्जन हुए, लेकिन पूरा का पूरा जो फेस्टिवल जुलूस था वो एक बहुत ही अच्छे माहौल में गुजरा और लोगों ने काफ़ी खुशी का मुजाहरा किया। मैं हैदराबाद शहर की पुलिस की तरफ से, गणेश ऑर्गेनाइजर्स का, हैदराबाद के अवाम का और हमारे साथ जितने भी हमारी पुलिस की टीम के अंदर और बाहर से जो पुलिस वालों ने आकर के इस बंदोबस्त में हमारा साथ दिया, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और हैदराबाद की पुलिस को भी मैं अपना शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस माहौल के अंदर एक आगे आकर के बहुत ही अच्छी ड्यूटी का मुजाहरा किया।